हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 13वें चैप्टर चितौ राजते भारत स्वर्ग भूमि की एक्सरसाइज। तो बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें आप ये एक्सरसाइज निकाल लीजिए। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, यम धरा कई सर्वत भांति, यह पृथ्वी किससे सोने की तरह सुशोभित होती है? आंसर होगा शस्य ही, फसलों से। अगला है, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत की स्वर्णिम भूमि कहाँ से शोभित होती है? आंसर है चितौ, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर। यम केशा महाशक्ति भी पूर्णता, यह कौन सी महाशक्तियों से सुशोभित है, पूरित है? तो यह अरुओं की महाशक्ति से सुशोभित है। तो यहाँ होगा आंसर अरुणाम। यम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यह भूमि किसमें लगी हुई है, किसमें युक्त है? तो आंसर होगा प्रबंधे, प्रबंध के कार्यों में लगी हुई है। अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, यहाँ क्या हमेशा भरा हुआ रहता है? तो यहाँ पर जो खाद्यान्न के भंडार हैं, अन्न के भंडार हैं, वो हमेशा भरे रहते हैं। तो इसका आंसर होगा खाद्यान्न भांडम। तो पहले का आंसर होगा शस्य, दूसरे का होगा चितौ, तीसरे का होगा अरुणाम, चौथे का होगा प्रबंधे, और पाँचवें का हो गया खाद्यान्न भांडम। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको समानार्थक पद हैं, एक जैसे जो पद है उनको छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर पहला है पृथ्व्याम, पृथ्व्याम, और यहाँ पर पृथ्वी का जो दूसरा इसका यहाँ पर समानार्थक पद है वो है चितौ। तो पृथ्वी पर या चितौ माने इसका भी मीनिंग क्या होगा, पृथ्वी पर। दूसरा है सुशोभते, इसका होगा भांति, सुशोभित होती है या भांति माने भी सुशोभित होते हैं। अगला है बुद्धिमताम, इसका होगा विपक्ष जनानाम, दोनों का ही मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। अगला है मयूराराम, इसका होगा शिक्षी नाम। अगला अनेकेशाम, मतलब बहुत सारे, इसका होगा बहु नाम। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो श्लोक के अंश हैं उनको आपस में मिलाना है। तो आपको देखना है कि कौन सा श्लोक है, उसमें कौन सी लाइन आई थी, तो वो आपस में आपको मिलानी है। पहला है त्रिशूल अग्नि नागई पृथव्यास्त्र धौरे, तो इसमें आएगा अरुणाम महाशक्ति भी पूर्ते यम। अगला है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरायम, तो सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरायम चितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। तो यहाँ पर क्या है, बहुत से त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। बने दिग्गजानाम तथा केशरीनाम, तो यह क्या है, जंगल में बहुत से क्या रहते हैं, विशाल हाथी हैं और सिंहों की भूमि है। तो बने दिग्गजानाम तथा केशरीनाम, यह जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों सिंहों की भूमि है। इसके आगे था तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम, यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है। अगला है संपूर्णम सदैव अस्थि खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, तो यहाँ पर जो खाद्यान्न के भंडार हैं, अन्न के भंडार हैं, वो हमेशा भरे रहते हैं। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जहाँ नदियों का जल पीयूष तुल्य होता है, अमृत के समान होता है। अगला है यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, तो इसके आगे हम लिखेंगे जगत बंदनिया च भूदेव गेया, तो ये जो पृथ्वी है वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है, कर्म करने योग्य है, और ये जो पृथ्वी है हमेशा वंदनीय है, और पृथ्वी जो है वो देवताओं के द्वारा गाए जाने योग्य है। तो यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है, उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य है, सारे संसार के लिए वंदनीय है, तथा देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको चित्र देखना है और रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है अस्मिन चित्रे एका बहती, अस्मिन चित्रे एका, क्या बहती, क्या बहता है, इस चित्र में एक नदी बहती है, तो यहाँ लिखेंगे नदी। अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, नदी निसरती, नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, पर्वतों से, तो लिखेंगे पर्वतात। अगला है नद्या जलम भवती, नदी का जल होता है, कैसा होता है नदी का जल, अमृत के समान, तो हम लिखेंगे पीयूष तुल्यम। शस्य सेचनम भवती, फसलों की सिंचाई होती है, किससे होती है फसलों की सिंचाई, नदी के जल से, तो हम लिखेंगे नदी जलेन, नदी जलेन शस्य सेचनम भवती। अगला है भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि है, सोने की भूमि है,
तो यहाँ पर हो गया स्वर भूमि। तो पहले में लिखेंगे नदी, दूसरे में लिखेंगे पर्वता, तीसरे में लिखेंगे पीयूष तुल्यम, चौथे में लिखेंगे नदी जलेन, और पांचवे में लिखेंगे स्वर भूमि। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको चित्र देखना है और जो पद दिए गए हैं बॉक्स में वो देखना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। पहला है अस्मिन चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई देते हैं। तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, अस्त्राणि अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। अगला है एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति, तो एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारत एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण, भारत ऐसे जो अस्त्र हैं उनके प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगा अपि भवती, यहाँ पर परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। आधुनिक अस्त्रे अस्मान शत्रुभ्यः रक्षति, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक अस्मान शत्रुभ्यः रक्षति, सैनिक हमारी जो है शत्रुओं से रक्षा करते हैं। सहायता बहूनि कार्याणि भवन्ति, तो उपग्रहाणां सहायता बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। तो पहले में आएगा अस्त्राणि, दूसरे में आएगा प्रयोग, तीसरे में आएगा अस्त्राणाम, चौथे में आएगा भवति, पांचवें में आएगा सैनिक और छठे में आएगा उपग्रहाणाम। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको चित्र देखना है और संस्कृत में पांच वाक्य लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि चित्र में जो दीपावली है उसका त्यौहार मनाया जा रहा है। माँ है, बेटी है, पिताजी हैं, बेटा है, माँ के हाथ में थाली है। तो आप इसके संस्कृत में कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं, पहला हमने बनाया इदम दीपावली त्यौहारस्य चित्रम अस्ति, यह दीपावली के त्यौहार का चित्र है। अस्मिन् चित्रे मातुः हस्ते एका स्थाली वर्तते, इस चित्र में माता के हाथ में एक थाली है। स्थाल्यां प्रज्वलिताः दीपाः सन्ति, थाली में जले हुए दीपक हैं। माता प्रज्वलितान् दीपान् भित्तौ स्थापयति, माता जले हुए दीपकों को दीवार पर स्थापित करती है, रखती है। तस्याः सुतः अपि तस्याः सहयोगं करोति, उसकी बेटी भी उसकी सहायता करती है। सुतायाः पिता भ्राता चापि तत्रैव तिष्ठता, बेटी के पिता और भाई भी वहाँ खड़े हुए हैं। गृहं सुसज्जितम् अस्ति, घर सजा हुआ है। छठे क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसमें भी आपको क्या करना है, चित्र को देखना है और संस्कृत में पांच वाक्य लिखने हैं। तो इसमें जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। तो इदम रक्षाबंधन त्यौहारस्य चित्रम अस्ति, यह रक्षाबंधन के त्यौहार का चित्र है। और क्या हो रहा है इसमें, जो बहन है वो भाई को राखी बांध रही है। तो भगनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बधनाती, तो जो बहन है भाई के हाथ में रक्षा सूत्र मतलब राखी बांधती है। भ्राता भगने रूपकारी तदाती, भाई बहन को रुपए देता है। सा भात्रे मिष्ठानम भोज्यति, वह भाई को मिठाई खिलाती है। इदम भगनी भ्रात्रो पर्व अस्ति, है भाई बहन का त्यौहार है। और जो सातवां क्वेश्चन है उसमें भी आपको चित्र देखना है और फिर पांच वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। तो इदम वनस्य चित्रम अस्ति, है वन का चित्र है, जंगल का चित्र है। अत्र एका मयूरः अस्ति, यहाँ पर एक मोर है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मोर है। अत्र एका मयूरः अस्ति, अस्मिन् वने एका व्याघ्रः अस्ति, इस वन में एक बाघ है। एकस्य वृक्षस्य उपरि खगा उत्पतन्ति, एक वृक्ष के ऊपर जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं। वृक्षा अति विशालः सन्ति, वृक्ष बहुत विशाल हैं। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।